हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल लर्न स्टैंडर्ड 4th चैप्टर नंबर 7। क्या नाम है? आम पण होई, मतलब ऐसा भी कुछ होता है। तो उसमें फर्स्ट क्या है? पोएम है, तो पोएम देखते हैं। दोढ फूटनी दाढ़ी ने चार फूटनी चोटली, गद्दा ऊपर बेसे डोसो माथे मुकी पोटली, ठस ठस जाय फस फस थाय, चोटलीना झूलामां बेसी पंखी गीतो गाय, चोटली उड़े फर फर दाढ़ी उड़े सर सर, गद्दानी पूछड़ी लांबी लस टाढ़े ध्रुजे थर ठस। ये पोएम किसने लिखी है? रमनलाल सोनी। तो चलिए देखते पोएम में क्या था। दोढ़ फूटनी दाढ़ी, इसमें एक जो दादा है, दादाजी, डोसो मतलब दादाजी, वो दादाजी की बात की है कि वो किसके ऊपर बैठ के जा रहे हैं? गधे के ऊपर बैठ के जा रहे हैं। उनकी जो दाढ़ी है वो कितनी लंबी है? डेढ़ फुट की है। और उनकी जो चोटी है वो कितने फुट लंबी है? चार फीट लंबी है। गद्दा पर बैसे डोसो माथे मुकी पोटली, वो गद्दे पे बैठते हैं। कैसे बैठते हैं? अपने सिर पे एक पोटली रखते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो कि उनके सिर पे भी कुछ रखा हुआ है। वो पोटली रखते हैं और गद्दे के ऊपर बैठते हैं। ठस ठस जाए फस फस थाय, चोटली ना झूला में बेसी पंखी गीतो गाए। यहाँ पे आप देख सकते हो कि पीछे जो उनकी चोटी है उसके ऊपर बर्ड्स बैठे हुए और वो क्या कर रहे हैं? कुछ गा रहे, मतलब वो बोल रहे। चोटली उड़े फर फर, उनकी जो चोटी है यहाँ से पूरी मुड़ी हुई है, पूरी फोल्ड है, तो उस वो जो है वो हवा में कैसे होती है? उड़ रही है। और उसकी आवाज़ कैसी आती है? फर करके उसकी आवाज़ आ रही है। दाढ़ी उड़े सर सर, गद्दा ने पूछड़ी लांबी लत, गद्दा जो है, जो डोंकी है उसकी जो पूछ है, टेल है, वो कैसी है? लंबी है। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो कि वो भी फोल्ड है, मुड़ी हुई है। टाढ़े ध्रुजे थर ठस, उसको क्या लग रही है? ठंड लग रही है। क्वेश्चन नंबर 2, समाचार वाचो। न्यूज़ दी है जो हमें रीड करनी है। वडोदरा में खूब ताप पड़ियो, तलाव में लागी आग, पानी सुकावा लाग्यू अने बधी माछलीओ जीव बचाववा झाड़ पर चढ़ी गई। क्या दिया है? बड़ौदा जो है वहाँ पे क्या हुआ? बहुत ही धूप थी, मतलब वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ताप पड़ी हो। क्या दिया है? ताप पड़ी हो, बहुत ज़्यादा धूप थी, तो उसकी वजह से क्या हुआ? जो वहाँ पे तालाब था उसके अंदर आग लग गई। अब ऐसे आग लगती नहीं है, सिर्फ आपको ऐसे ही न्यूज़ दी है। पानी सुखावा लगी, धूप थी तो पानी जो है वो सूख गया। और सभी जो फिश थी वो अपने जान बचाने के लिए किसके ऊपर चढ़ गई? ट्री के ऊपर चली गई। जो मछली है वो पानी के बिना नहीं रह सकती, लेकिन इसमें सिर्फ आपको न्यूज़ क्या दी है कि वो अपनी जान बचाने के लिए ट्री के ऊपर चली गई। सेकेंड न्यूज़, लाला भाई ना लग्न में थाली माथी लाडू उड़िया अने डाला भाई ना घर में घुसी गोदड़ा ओढ़ी ने सुई गया। लाला भाई करके जो है उनके उनकी शादी थी और वहाँ पे क्या हुआ? जो लड्डू की जो पूरी डिश थी, प्लेट थी, उसके अंदर से जो लड्डू थे वो उड़े और उनके बाजू के घर में रह रहे होंगे डाला भाई, उनके घर में चले गए और कंबल ओढ़ के सो गए। पोपटे पृथ्वीनी चार घड़ी करी विमान में मूकी पछी विमान ने पाटा ऊपर दौड़ावी मूक्यू। पोपट जो था उसने अर्थ पृथ्वी उसके क्या की? चार घड़ी, मतलब कि उसने उसे घड़ी लगा के एरोप्लेन के अंदर रख दिया। और एरोप्लेन कहाँ पे रखा? रेलगाड़ी की जो पटरी होती है, कि ट्रेन की जो पटरी, उसके ऊपर रख के उसे दौड़ा दिया। आवती काले शाला में पांदड़ानी पूरी ने पानी में तली तली ने सबने पेट भरी ने जमाड़वामां आवशे, कोई पण बाळके पोतानुं पेट घरे भूलीने आवुं नहीं। कल स्कूल में क्या होगा? पत्ते की पूरी, लीव्स जो होते उसकी पूरी बनाएंगे और पानी के अंदर उसे फ्राई करेंगे और सबको वहाँ पे खाना देंगे। तो सबको क्या करना है?
कि अपना जो स्टमक है, पेट जो है, वो घर पे भूल के नहीं आना है, वो आपको साथ में लेके आना है। अच्छा, आपको स्टोरी सुनना अच्छा लगता है? हमारे पास एक स्टोरी है, देखते हैं स्टोरी। स्टोरी का नाम क्या है? गोरियो गुम। अब इसमें कुछ ऐसा होता है कि एक खेडूत, एक फार्मर होता है, वो क्या करता है कि उसके पास दो ऑक्स होते हैं, वो जो दो बैल है उसमें से एक जो है वो गुम हो जाता है, और उसे ढूंढने के लिए वो बहुत ही मेहनत करता है, लेकिन उसे वो मिलता नहीं है। फिर लास्ट में कहाँ से मिलता है वो हम स्टोरी देखेंगे, उसमें पता चलेगा, ठीक है। एक नानकड़ू गाम, गाम में सोमाभाई नामना खेडूत रहे, तेमनी पासे बे बळद, એકનું નામ કાળિયો અને બીજાનું નામ ગોરિયો, બંને બળદ એમને ખૂબ વહાલા। એક છોટા સા ગામ, ગામ મેં કોણ રહેતા થા? સોમાભાઈ, ઉનકે પાસ કિતને બેલ થે? દો, એક કા નામ ક્યા? કાળિયો ઓર દૂસરે કા નામ ગોરિયો, દોનો ઉસકો બહોત હી અચ્છે લગતે થે, દોનો ઉનકે બહોત હી પ્યારે થે। માર્ચ મહિનો આવ્યો, માર્ચ મંથ આ ગયા થા, બાજરી વાવવાનો સમય થયો, વાવણી માટે પહેલાં ખેતર ખેડવું પડે। સોમાભાઈ પોતાનું ખેતર ખેડવા બંને બળદ લઈ ગયા, અડધું ખેતર ખેડ્યું અને બપોર થઈ। સોમાભાઈ તો ભાતું ખાઈને આરામ કરવા સુતા, ક્યાં ઉનકો વો દોનો બેલ કો લેકે ગયે, ઓર પૂરે ખેત મેં ઉનકો જો બાજરી થી વો અબ ઉનકો બોની થી, તો ઉનોને ક્યા કિયા કિ દોનો બેલ કો લે ગયે ઓર આધા જો ખેત થા उसमें काम किया, फिर आधा तो बाकी था, लेकिन दोपहर हो गई तो उन्होंने क्या किया, लंच किया और वो सो गए। भातू मतलब लंच। जागी ने जोयू तो बे बड़द माथी एक बड़द गायब। वो जगे और उन्होंने देखा तो उसमें जो दो बैल थे उसमें से एक गायब हो गया। खेतर में काळियो ज हतो, गोरियो तो देखायो ज नहीं। जो उनका एक बैल था वो था, और दूसरा जो था गोरियो वो तो था ही नहीं। खेतर में घणु शोधियो पण गोरियो क्यांय न जड़ियो। पूरे खेत में उन्होंने बहुत ढूंढा, लेकिन गोरियो जो था वो उनको कहीं पे मिला ही नहीं। अब आप ही सोचो वो कहाँ पे गया होगा। बाजरी वावती वक्त पण सोमा भाई तो गोरिया ने शोधियो पण गोरियो क्यांय न जड़ियो। जब उन्होंने बाजरी थी वो बोई तब भी उन्होंने देखा, लेकिन तब भी नहीं मिला। बाजरी उगी ने मोटी थई, फसल जो थी वो बड़ी हो गई। सोमा भाई तो रोज खेतर आवे, बाजरी जोईने हरखाई अने आखा खेतर में फरी फरी ने जुए, क्यांक मारो गोरियो नजरे चढ़े पण गोरियो न जड़ियो। क्या सोमा भाई जो थे वो हर रोज खेत में आते थे, बाजरी देख के वो खुश हो जाते थे, लेकिन पूरे खेत में वो चक्कर लगाते थे अगर कहीं पे उनका जो बैल है गोरिया वो मिल जाए, लेकिन वो नहीं मिला। ये गोरियो क्या थी मोड़शे, आपने सोचा है वो कहाँ से मिलेगा? चलिए देखते हैं। बाजरी पाकी गई, उभी बाजरी ना डूंडा लणता लणता पण गोरियो न जड़ियो। क्या बाजरी जो फसल थी वो पक गई, और वो निकालते हुए भी जो गोरिया था वो मिला नहीं। डूंडा माथी बाजरी ना दाणा छूटा पाड़िया, चाळनी थी चाळिया, तगारा में भरिया, कोथळा भरी ने घरे लाव्या, पण गोरियो न जड़ियो ते न जड़ियो। क्या पूरी बोरी घर पे आ गई अच्छे से कंप्लीट होके, फिर भी जो उनका बैल था गोरिया वो न मिला तो नहीं मिला। कोथळा माथी बाजरी काटी, फरीथी साफ करीने घंटी में दळी, रोटला बनावता पहला बाजरी नो लोट चाळीने जोयो तो ये गोरियो न जड़ियो ते न जड़ियो। क्या बोरी थी उसमें से बाजरी फिर से निकाली, और उसका वो लोग आटा बनाने वाले थे तो उन्होंने उसमें भी देखा, और आटा बनाने के बाद जब वो बना रहे थे वो जो रोटला, आपने सुना ही होगा बाजरी का रोटला, वो बना रहे थे उसी वक्त उन्होंने चलनी में देखा, लेकिन तब भी नहीं मिला। गोरिया तो मिला ही नहीं। સોમા ભાઈને તો સતત ગોરિયાના જ વિચાર આવ્યા કરે, મારો ગોરિયો ક્યાં ગયો હશે ને શું કરતો હશે। ઘરના બીજા સભ્યો પણ ગોરિયાની ચિંતા કરતા હતા। નવી બાજરીના પહેલા રોટલા તૈયાર થયા, સરસ મજાના ગરમા ગરમ મોટા મોટા રોટલા, સૌ સાથે જમવા બેઠા, સબ સાથ મેં ખાના ખાને ભી બેઠ ગયે। તમને લાગે છે કે ગોરિયો મળશે? ક્યાં લગતા આપકો મિલેગા ગોરિયા?
शायद आप हाँ बोलोगी ये पिक्चर देख के, लेकिन आगे देखते कहाँ पे है। सौनी थाली मारी वा बहने एक एक रोटलो मुक्यो, सबको एक एक जो रोटला था वो दे दिया। सोमा भाई ने दीकरी सपना ने कोपटी बहु भावे, जो उसके ऊपर की जो कोपटी, इसमें कोपटी लिखा है, आप कोपड़ी भी बोल दोगे, तो वो जो सपना है वो बहुत सपना है उसे बहुत अच्छी लगती है। तेने हलवे एक थी रोटला ने कोपटी खोली और एकाएक मोटे थी चीज पाड़ी, बापू अपनो गोरियो। क्या उसने धीरे से जो रोटला था उसके ऊपर की कोपटी निकाली और उसने बुलाया, क्या बुलाया, बापू अपनो गोरियो। सोमा भाई तो थाली धकेली ने कूदको मारियो ने कोपटी नीचे जोयू तो गोरियो निराते बैठो बैठो वागोलतो हतो। उनको कहाँ से मिला गोरिया, जो रोटला था उसकी कोपटी के नीचे से। सोमा भाई तो नाचवा मांडिया, मळी गयो मळी गयो मारो वहालो गोरियो मळी गयो।